हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट्स या क्यूरीज हैं वो आप कमेंट के थ्रू या फ्यूचर विद पास्ट के ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू आप हम तक भेज सकते हैं। फ्यूचर विद पास्ट एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजोल्व करने की। बगैर टाइम खराब किए हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं आगे। आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया इन 19th सेंचुरी चल रही है। मीन्स यदि हम डायरेक्टली गए तो मॉडर्न हिस्ट्री अभी हमारी चल रही है, उसी में ही हम आज डिस्कस करेंगे। फैराजी आंदोलन या आपका फैराजी मूवमेंट, अहमदिया और आपका अलीगढ़ मूवमेंट या सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मूवमेंट, ये तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। चलो आइए डिस्कस करते हैं आगे। यदि हम फराजी मूवमेंट के बारे में बात करें, इस आंदोलन की शुरुआत हाजी सरयतुल्ला ने 1880 में की थी, मीन्स 1818 में की थी। इस आंदोलन को फरायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। हाजी सरयतुल्ला के पुत्र दुद्दू मियां के नेतृत्व में 1840 के पश्चात आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर लिया। दुद्दू मियां ने आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे गाँव से लेकर प्रांतीय स्तर तक संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया। इस आंदोलन ने सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया जिसका कार्य हिंदू जमींदारों एवं पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था। दुद्दू मियां को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, परंतु 1847 में दुद्दू मियां की लंबी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन कमजोर हो गया और 1862 में दुद्दू मियां की मृत्यु के बाद भी आंदोलन चलता रहा, किंतु किसी बड़े राजनीतिक प्रसरिये के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट कर रह गई। ये हमारा फराजी मूवमेंट था। इसके बारे में जो हमने डिटेल डिस्कस की वो आपके हर एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से रिलीवेंट है, चाहे आपका यूपीएससी प्री और मेंस हो या फिर आपका और कोई भी गवर्नमेंट अदर एग्जाम हो। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। यदि हम नेक्स्ट में डिस्कस करें तो आपका आता है अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया आंदोलन। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया जिसका जन्म भारत में हुआ। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह अवतार मानते थे। आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के कार्य को अपना सर्व प्रमुख उद्देश्य मानता था। इसने गैर मुस्लिम के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने की मांग की। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य वेस्टर्न एजुकेशन के प्रसार को बढ़ावा दिया। अहमदिया समुदाय ही एक मात्र ऐसा इस्लामिक पंथ है जिसका विश्वास है कि धार्मिक युद्धों एवं रक्तपात को समाप्त करने एवं और नैतिकता, शांति एवं न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए ही मिर्जा गुलाम अहमद मसीहा बनकर आए। उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया और साथ ही साथ मानव अधिकारों एवं सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से प्रारंभ हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में की। यह आपका अहमदिया मूवमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल थी। आगे हम डिस्कस करते हैं आपका सर सैयद अहमद खां और आपका अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। यदि हम सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में डिस्कस करें तो इसका थोड़ा हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार यह मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर में वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रुख से यह धारण
यह धारणा और बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार यह महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी, उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। और इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। आप इस बात को ढंग से सुनिए, इस्तेमाल करने का निश्चय किया। लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता था जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या वेस्टर्न वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृति है और सभी अन्य इस्लामिक रचनाएं इसके समक्ष गौण है। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती वह वस्तुतः गलत व्याख्या है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण न करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों एवं अन्य रूप से अनुसरण करने को गलत बताया। सर सैयद अहमद खां एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले तथा अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया और उन्हीं की वजह से 1875 में या उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने एवं उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम किए। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा की कड़े शब्दों में निंदा की। वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक देश के और एक राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करना चाहिए, जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सके जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दों को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो जैसी नीति का भी समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। बाद के वर्षों में तो उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खां हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए। उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने विचारों पर का प्रचार करने के लिए तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका आरंभ की।
अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया, जो कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का प्रमुख उद्देश्य था। इनके उद्देश्यों में इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। सेकंड पॉइंट है, मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के क्षेत्र में सुधार लाना। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चलकर इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विकास के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स है वो आप फ्यूचर विद पास्ट तक पहुंचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजोल्व करने की। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।